तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष टॉक राय में। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और स्टार्ट करते हैं आज की ऑसम वीडियो, जिसका टॉपिक है अगर कभी भी रिक्वेजा और जाइगार्ड के बीच फाइट होगी तो इस मैच का विनर कौन होगा। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन हैं, दोनों ही ड्रैगन टाइप के पोकेमोन हैं और दोनों बहुत पावरफुल हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों की गाइस दोनों की बहुत पावरफुल फॉर्म को लेंगे, जैसे कि मेगा रिक्वेजा और कंप्लीट जाइगार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बस स्टार्ट तो हो ही चुकी है तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा जाइगार्ड के बारे में। तो जाइगार्ड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, जिसको हराना लगभग किसी भी पोकेमोन के लिए लगभग नामुमकिन है। और ये एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है और इसको कई तरह के अटैक्स आते हैं, जैसे कि ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन पल्स, ड्रैगन टेल, ड्रैको मीटियोर। और गाइस ये एक ऐसा पोकेमोन है, ये मतलब ये एक ही अकेला ऐसा पोकेमोन है जो कि चार सिग्नेचर मूव्स को यूज़ कर सकता है, जो कि कोर इन्फोर्सर, लैंसरोथ, थाउजेंड एरोस और थाउजेंड वेव्स। ये अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और इसमें जाइगार्ड का कोर इन्फोर्सर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है और ये पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक है। इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जाइगार्ड की पावर इतनी मानी जाती है कि अपनी पावर से एक न्यू पोकेमोन वर्ल्ड को भी क्रिएट कर सकता है। और जाइगार्ड की सबसे बड़ी एबिलिटी जो है ना, वो है कि जाइगार्ड इन्फिनाइट अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि लगभग किसी भी पोकेमोन के लिए लगभग नामुमकिन है। और जाइगार्ड के पास इतनी पावर है कि अपने अटैक्स के दम पे ही पूरे के पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को हिलाकर रख सकता है, जो कि किसी भी पोकेमोन के लिए लगभग नामुमकिन है। और जब जाइगार्ड अपने कंप्लीट फॉर्म में आता है तो उसका लुक एक रोबोट जैसा लगने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और जाइगार्ड ने बहुत बड़े जायंट रॉक को हरा दिया था, जिसको पूरा का पूरा कैलोस रीजन मिलके भी नहीं हरा पाया था। जाइगार्ड ने उसे लेस देन 1 मिनट में हरा दिया था और अपने एक ही अटैक में उस जायंट रॉक को चीर के रख दिया था, जिससे मेगा चैरोडैक्स और 10-20 मेगा पोकेमोन मिलके भी नहीं हरा सकते थे, जिससे आप गाइस जाइगार्ड की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाइगार्ड ओरा ट्रियो का एक मेंबर है, जिसमें येवेल्टर और ज़ेरनियस आते हैं और जाइगार्ड उसमें से सबसे पावरफुल मेंबर है। तो अब मैं बात करता हूँ रिक्वेजा के बारे में। तो रिक्वेजा के बारे में कौन नहीं जानता होगा। रिक्वेजा एक ऐसा पोकेमोन है जो कि फैन फेवरेट है और रिक्वेजा और ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है और रिक्वेजा का कलर ग्रीन है और गाइस रिक्वेजा का एक शाइनी वर्जन भी है। और रिक्वेजा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। रिक्वेजा कई तरह के अटैक्स कर सकता है, जैसे कि ड्रैगन टेल, हाइपर बीम, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन पल्स और कई ज़्यादा अटैक। पर रिक्वेजा का सबसे पावरफुल अटैक है ड्रैगन असेंट, जो कि अगर किसी पोकेमोन को एक बार लग जाए तो वो पोकेमोन दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता। जाइगार्ड के बहुत ज़्यादा मतलब जो रिक्वेजा उसके बहुत इंप्रेसिव फीट्स हैं, जैसे कि रिक्वेजा ने एक ही ड्रैगन असेंट में ग्राउडॉन और कायगर को हरा दिया था, एक बहुत ही बड़े मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गाइस आप रिक्वेजा की पावर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि रिक्वेजा ने ग्राउडॉन के 6 परफेक्ट ब्लेड को सहा था, जो कि ग्राउडॉन का सिग्नेचर मूव है। और गाइस रिक्वेजा काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहा है और रिक्वेजा ने एनिमे में ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कि कोई पोकेमोन भी नहीं कर सकता। रिक्वेजा ने एक हाइपर बीम की मदद से कायगर को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया था और रिक्वेजा का एक मेगा फॉर्म भी है। पर रिक्वेजा को मेगा इवॉल्व होने के लिए कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वेजा अपने पार्ट से ही मेगा इवॉल्व कर सकता है, जो कि रिक्वेजा का सबसे इंपेरेसिव फीट है। और रिक्वेजा वन ऑफ द पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन में से आता है। रिक्वेजा का लुक और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कूल है, जिसे कोई भी पोकेमोन फैन उसे पसंद करने लगेगा। और रिक्वेजा की पावर तो इतनी मानी जाती है कि वो आरसेस को हरा सकता है और म्यूटू को भी, जिससे कई सब रिक्वेजा की पावर का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तब कंक्लूजन पे आते हैं कि इन दोनों के मैच का विनर कौन होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस मैच का विनर होगा मेगा रिक्वेजा, क्योंकि मेगा रिक्वेजा के फीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जाइगार्ड के पास कोई मेगा फॉर्म भी नहीं है, और जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेगा रिक्वेजा इस मैच को जीत सकता है। और अभी तक हमने एनिमे में किसी को रिक्वेजा के 2 ड्रैगन असेंट सहते हुए तो नहीं देखा है। तो इस मैच का विनर होगा मेगा रिक्वेजा। तो गाइस आज की वीडियो भी इतनी थी। गाइस आप मेरे ओपिनियन को गलत मत लेना, क्योंकि सबका देखने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपकी नज़र में जाइगार्ड विनर है तो आपकी नज़र में जाइगार्ड विनर है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।